वेलकम टू माय चैनल पासा के चैनल। तो हम आपके लिए लेके खास वीडियो इसमें बात कर रहे हो कि मैं मेडिकल चेकअप किया था। बहुत सारे लोगों को इस रिलेटेड डाउट था, मेडिकल चेकअप में क्या क्या चेकअप होता है और किस टाइप का, मतलब क्या ऐसा होता है कि जो हमको इस वजह से कॉलेज से निकाल दिया जाता है, हमारा कॉलेज में एडमिशन नहीं होता। सारे टॉपिक पर बात करेंगे, उससे पहले अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब, इसी का बेल आइकन भी प्रेस कर ले और वीडियो कर ले बड़ा सा लाइक भी, शेयर भी अपने दोस्तों के साथ ताकि उनके लिए भी इन्फॉर्मेटिव हो और मेरे साथ बने रहिए। देन मूव करते हैं वीडियो पे। उससे भी पहले आप अगर मुझे इंस्टा पर फॉलो करेंगे तो इंस्टा आई डी आप साथ में देख सकते हैं सभ्य मेहता, आप मुझे वहाँ फॉलो कर सकते हैं। और देन मूव करते हैं वीडियो पे। मेडिकल चेकअप क्या होता है? मेडिकल चेकअप क्या होता है? ये फिटनेस के लिए चेकअप किया जाता है। तो हर एक कॉलेज में, खासकर मेडिकल से रिलेटेड जो कॉलेज है, आपको वहाँ पर चेकअप किया जाता है कि आपको कोई मतलब कलर ब्लाइंडनेस नहीं हो, कुछ ये ना हो, वो सब सबके लिए चेकअप किया जाता है। क्योंकि होता है कि मान लीजिए आप इन द फ्यूचर अगर फ्यूचर ऑपरेशन थिएटर में जाते हैं, अगर मान लीजिए आपको कलर ब्लाइंडनेस हो तो आपको नस मतलब नर्व इनको डिटेक्ट करना है, कट करना है, जो भी करना हो, जो भी हो, तो आपको कैसे पता चलेगा आपको कौन सा कलर कलर ब्लाइंडनेस हो? क्योंकि आप कलर तो पहचान ही नहीं पाएंगे, ना रेड ना ब्लू ना ग्रीन। तो इस वजह से सारे चेकअप किए जाते हैं। अगर बॉडी फिटनेस नहीं है तो आपको बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं, तो आप कैसे कंप्लीट करते हैं? इस वजह से मेडिकल चेकअप किया जाता है। मेडिकल चेकअप में क्या क्या किया जाता है? तो सबसे पहले आपको आई चेकअप किया जाता है, ईयर चेकअप किया जाता है, आपको फिजिकल फिटनेस किया जाता है। अगर आप गर्ल्स हैं तो लगभग मतलब बीएससी नर्सिंग से रिलेटेड है तो आप गर्ल्स ही होंगी, लेकिन अगर पैरामेडिकल तो बॉयज़ भी होते हैं, तो सबका मेडिकल चेकअप होता है। तो गर्ल्स हैं तो आपको गायनिक चेकअप भी होता है। गायनिक चेकअप मतलब लास्ट मंथ पीरियड, LMP होता है, उसको लास्ट मंथ पीरियड कब आया था, कंटिन्यू है या नहीं, ये सब चेक होते हैं। फिजिकल फिटनेस चेक होते हैं। देन आपको ब्लड चेकअप होता है, ब्लड आपका ग्रुप चेकअप होता है, डायग्नोसिस जेनेटिक्स, ये सब समथिंग समथिंग कुछ कुछ चेकअप होते हैं। देन आपका मतलब ये डाइजेस्टिव सिस्टम से चेकअप होता है, थोड़ा सा काउंसलिंग में वहाँ चेक आपको अवेयर किया जाता है समथिंग। ये सब जो छोटे छोटे चेकअप्स होते हैं, लेकिन मेनली फोकस क्या किया जाता है, आपको ब्लड चेकअप है, ब्लड ग्रुप पे फोकस किया जाता है और आपके आई चेकअप है। आई चेकअप में कौन सा चेकअप होता है नहीं बताता है। आई चेकअप में आपका आई चेकअप रिफ्रैक्शन मतलब होता है, रिफ्रैक्टिव जो चेकअप होता है वो होता है। दैट मीन्स आई का जो नंबर होता है कौन, तो ये सब चेक किया जाता है। कोई आपको मतलब डिजीज़ तो नहीं है, जिसमें किसी को मायोपिया तो ये सबका नॉर्मल सा है, हाइपर मायोपिया तो बड़े लोगों में होता है, ऐसा कुछ नहीं है। मायोपिया बच्चे में तो ये सब नॉर्मल सा है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये चेकअप किया जाता है कलर ब्लाइंडनेस, तो क्यों निकाल दिया जाता है ये भी हम बताते हैं गाइस, कहाँ कब निकाला जाता है। जो चेकअप करते हैं कलर ब्लाइंडनेस, तो कलर ब्लाइंडनेस मैंने बताया कि अगर आप मेडिकल लाइन में, तो आप मान लीजिए फ्यूचर का भी डिजीज मतलब वेन को और आपको नर्व को कट करना हो, तो आपको पता है कि नर्व का कलर ये सब क्या होता है, मतलब ब्लड का कलर होता है। जो नर्व वेन होता है वो सब रेड कलर में, तो आपको कट करते हैं तो रेड ब्लड ही होता है। अगर आपको कलर ब्लाइंडनेस हो तो भी ये सब कलर पहचान नहीं पाएंगे, ठीक है? तो कलर पहचान नहीं पाएंगे तो आपको इन फ्यूचर प्रॉब्लम होगा, आपके साथ में प्रॉब्लम्स होता है और पेशेंट मतलब पेशेंट के साथ भी होता है, दोनों के जान को मतलब ये खतरा है। इसलिए कलर ब्लाइंडनेस को चेक किया जाता है, आप कलर पहचान पाते कि नहीं, तो वो कलर ब्लाइंडनेस चेक होता है। अगर कलर ब्लाइंडनेस में आपको दिक्कत है तो अब आपको रिजेक्ट कर दिया जाता है। मैं ऐसे एक मैं आपको स्टोरी बताती हूँ। दैट मीन्स हम लोग के साथ ही, हम लोग जब ट्वेल्थ का प्रिपरेशन करते थे तो वहीं पर हम लोग जहाँ प्रिपरेशन करते वहीं पर हमारे साथ हमारे यहाँ एक सीनियर थे, तो उनका मेडिकल में MBBS में हो गया था। वो भी दो तीन ड्रॉप लेने के बाद वो मेडिकल में गए, लेकिन उनको पता नहीं था कि कलर ब्लाइंडनेस क्या होता है, मतलब उनको है या नहीं, उनको खुद नहीं पता था। लेकिन जब मेडिकल चेकअप में गए तो उनको उनके साथ कलर ब्लाइंडनेस का प्रॉब्लम था। सोचिए वो सारा मेहनत उनका बर्बाद चला गया, उनको कॉलेज से मतलब वहाँ से रिजेक्ट कर दिया है क्योंकि उनको कलर ब्लाइंडनेस था और वो MBBS में जाना था, इसलिए हटा दिया, तो रिजेक्ट कर दिया। तो रिजेक्शन भी होता है गाइस आफ्टर मेडिकल चेकअप, लेकिन कब, कलर ब्लाइंडनेस होने के बाद। इसलिए हम लोग सर वहाँ पर एडवाइस किए थे कि अगर मेडिकल लाइन में आना है आना है तो लोग अपने बचपन से ही कलर ब्लाइंडनेस चेक करवा लो, अगर प्रॉब्लम तो मेडिकल लाइन में मत आओ, किसी लाइन में चले जाओ, क्योंकि आपके साथ भी दिक्कत हो सकता है और पेशेंट के साथ भी जान खतरा है। इस वजह से वहाँ पर रिजेक्शन कर दिया गया था। सोचिए उनका मेहनत कितना बर्बाद किया, कि एक शौक ही होना और उतना टाइम से मेहनत करना तब जाके कॉलेज में आओ, वहाँ पर कॉलेज पहुँच के आपका रिजेक्ट होता, तो ये सब चीज़ प्रॉब्लम होती है गैस। और ज़्यादा कुछ आपका कुछ नहीं, मतलब अगर गर्ल्स तो गायनिक से चेकअप, तो गायनिक ज़्यादा कुछ नहीं तो जाकर मतलब फिजिकल फिटनेस वहाँ बना के दे देते हैं। ब्लड चेकअप होता है तो ये सब समथिंग होता है और ब्लड ग्रुपिंग, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है तो मेडिकल चेकअप में। और इससे परेशान होना नहीं, आपको थोड़ा डाइजेस्टिव सिस्टम से, डैट मीन्स आपका नॉर्मल सब ये सब चेकअप होता है, जैसे कोई डिजीज नहीं, कोई बीमारी नहीं, ये सब चेकअप होता है। वहाँ पर आपका आपको साइन होता है, सारे मतलब
जाके बहुत सारे वार्ड में, आपको बहुत सारे वार्ड में जाके चेकअप होता है, वहाँ पर आप बहुत फिटनेस बना के देते हैं, तो आपको उतना डरने का जरूरत नहीं है। ये नहीं कि आपको जाकर पूरा चेक करेंगे, ऐसे ऐसे कुछ नहीं होता, आपको डरने का जरूरत नहीं है। तो यही होता है मेडिकल चेकअप, मेडिकल फिटनेस। तो उम्मीद है कि इसका कोई वीडियो पसंद आया, थोड़ा सा अगर इन्फॉर्मेटिव लगा, थोड़ा सा भी तो यूनिक लगा हो, थोड़ा सा हेल्पफुल लगा, तो वीडियो कर लेते बड़ा सा लाइक, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनके लिए भी इन्फॉर्मेटिव हो। ये नहीं जरूरी सिर्फ मेडिकल चेकअप ऐसे नर्सिंग और पैरामेडिकल से रिलेटेड है, आप किसी भी फील्ड में मेडिकल चेकअप करते हैं उससे सबसे रिलेटेड है। थोड़ा सा वीडियो पसंद आया तो वीडियो कर लीजिएगा बड़ा सा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी अपने दोस्तों के साथ भी, ताकि उनके लिए भी इन्फॉर्मेटिव हो। और मेरे चैनल पर बने रहिएगा और नीचे का बेल आइकन प्रेस करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।